नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर साव और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जनरली मेरी वीडियोस होती हैं अनएकेडमी पे, मगर मैंने जब से अनएकेडमी ज्वाइन की उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे और भी अर्निंग करनी है। तो मैंने काफ़ी सारे अर्निंग्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हासिल की थी और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, आप एक बार वो प्लेलिस्ट को देख लीजिए। दूसरी चीज, अब ये टॉपिक, ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर मैं किस ऑब्जेक्टिव से बना रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सुपर प्रॉप से कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो सिंपल सा आंसर है कि मुझे किस तरीके से सुपर प्रॉप से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो स्टेप है कि आपको सुपर प्रॉफ पे जाकर रजिस्टर करना है। एडवांटेज क्या है सुपर प्रॉफ का? सुपर प्रॉफ का एडवांटेज है कि रजिस्टर करेंगे यहां पर तो आपकी एक एड क्रिएट हो जाएगी, वो एड कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए आप, मैंने अपनी सुपर प्रॉफ की प्रोफाइल ओपन ही रखी है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से एड दिखती है यहां पर। तो यहां पर इस तरीके से कुछ एड दिखेगी। अब ये एड आपकी क्रिएट हो जाएगी और आप ये एड को कहीं पर भी बता सकते हैं। यहां पर देखिए रेट भी लिखे हुए होते हैं कि मैं कितना रेट लेता हूं, कितना रुपीस पर आवर का रेट लेता हूं। ओके, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उनके पास भी आपके सामने उनके आपके रेट उनके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब ये तो हो गई एक नंबर की बात, अब दूसरे नंबर की बात कि रजिस्टर कैसे करना है सुपर प्रॉफ पे, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो आप लिंक नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो आएगा कि हाउ टू रजिस्टर ऑन सुपर प्रॉफ, एंड लिंक नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा जितने भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं अनएकेडमी को छोड़ के जितने भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब सबसे पहले आपने रजिस्टर कर दिया, कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए आपने वीडियो देख लिया, सुपर प्रॉफ में आपने रजिस्टर कर दिया। मैंने कब किया था? मैंने किया था सुपर प्रॉफ पे रजिस्टर जब मैंने अनएकेडमी पे रजिस्टर किया था उसी दिन। अब दूसरी बात कि यहां से आगे कैसे बढ़े, कैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे सामने से क्लास की रिक्वेस्ट आई। मैं आपको दिखाता हूं कितने महीने में आई। 3 महीने के अंदर मुझे सामने से क्लास की रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर नाम लिखा है उनका, गणेश जी नाम है। और एक चीज का आपको ख्याल रखना है, एक बार आपने सुपर प्रॉफ पे अगर अपनी प्रोफाइल बना दी है तो आपको कोई भी क्लास की रिक्वेस्ट आती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड देना होता है, वरना आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे सुपर प्रॉफ से। तो ये बात का ख्याल रखना है, दैट्स इट। और दूसरी चीज आपको ये ख्याल रखनी है कि सुपर प्रॉफ पे आपको 2 तरीके की रजिस्ट्रेशन मिलेगी। एक तो पेड रजिस्ट्रेशन है जो यहाँ पर दिखाएगा आपको बिकम अ प्रो, उस पे मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है। तो मैंने जितनी भी रजिस्ट्रेशन ली है वो फ्री रजिस्ट्रेशन है और मैंने फ्री ही अपनी प्रोफाइल बनाई है और मुझे 3 महीने में एक ही रिक्वेस्ट आई है और वहां से मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अब हम बात करते हैं कि कौन है ये गणेश जी और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए दिया था। तो उनका एक कॉल आता है, पहले तो क्लास की रिक्वेस्ट आती है, मैंने क्लास की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो वहां पर उनके नंबर भी लिखे हुए थे, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। अब आप क्लास की रिक्वेस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उनके नंबर और ईमेल आईडी सामने दिख जाएंगे। मैं उनकी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी अपना अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो उनके साथ बात कर सकते हैं वाया मेल। ये भी मैंने उनसे बात की है कि काफी लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्या वो भी आपको मेल कर सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दी है कि हाँ वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात। तो यहां से मेरी उनके साथ बात हुई कि सर आपका मुझे रिक्वेस्ट आया था, आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस तरीके से 15-15 मिनट के सारे वीडियोस चाहिए। एक तरीके से उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के 15-15 मिनट के मुझे सारे लेक्चर्स चाहिए। मैंने बोला ओके सर, दैट इज ओके, आप जितना भी कहेंगे उतना लेक्चर में बना के दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे सामने से
एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा, कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे साइन करनी थी, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलना। तो कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे इस तरीके का, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसल्टेंट एग्रीमेंट था ये, ऊपर इनकी हेडिंग्स रहती है, जो भी इनकी वेबसाइट है, जो भी इनके मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, ये तीनों चीज रहेगी। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा नाम था और ये कॉन्ट्रैक्ट को मुझे साइन करके उनको वापस भेजना था। ये तो बात होगी कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पूरा, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है। यहां पर एक बात मैं आपको खास बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसका जो भी आपको ईयरली जितने व्यूज आएंगे आपकी वीडियोस पे, ये वीडियोस का क्या करेंगे, वो वीडियोस को अपनी वेबसाइट पे रखेंगे और जितने भी व्यूज आएंगे एक ईयर में, पूरे ईयर में, उसका भी रिवेन्यू आपको थोड़ा सा देंगे। सो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज वॉट आई लाइक द मोस्ट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए ये भी बात हो गई, अब बात करते हैं कि इनकी वेबसाइट क्या है और ये किसके लिए काम करते हैं। इनकी वेबसाइट है दी पोटेंशियल्स, दी पोटेंशियल्स। अब दी पोटेंशियल वेबसाइट क्या है और इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इन्होंने अभी तक जो ये वेबसाइट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये हो रही है, वो बना रहे हैं ये लोग। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप 3D मूवीज देखते हैं, उसी तरीके से 3D मूवीज के अंदर वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर बच्चा खुद पढ़ने जाएगा, उनका एनिमेटेड अवतार पढ़ने जाएगा। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको लेथ मशीन के सारे ऑपरेशन एक ऑगमेंटेड रियलिटी में पढ़ा रहा हूं। एक आपके पास डिवाइस है जिसको पहन के आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर गेम के जैसे अंदर चले जाते हो और वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक जो ट्यूटर है जो कोई एक स्पेस पे है और एक स्टूडेंट है जो कोई अनदर स्पेस पे है, वो दोनों पढ़ रहे हैं। अब इससे होगा क्या, हमें काफी सारे चीजें हम पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को थोड़ी थोड़ी, जैसे कि 15 मिनट हमने मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा लिया, 15 मिनट हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा लिया, 15 मिनट हमने कॉमर्स पढ़ा लिया, 15 मिनट आर्ट्स पढ़ा लिया, 15 मिनट दूसरे कोई चीज पढ़ा दी। तो यहां से हमें पता चलेगा कि बच्चा कहां पर रुकता है, बच्चा ने कहां कहां पर क्यूरियोसिटी जनरेट की, किस किस जगह पर क्वेश्चंस किए, क्या क्या क्वेश्चंस किए। तो ऐसे क्वेश्चंस से हमें क्या पता चलेगा कि वो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये करियर काउंसलिंग वेबसाइट है और इस तरीके से उन्होंने करियर काउंसलिंग करनी है। अब करियर काउंसलिंग की बात आई तो करियर काउंसलिंग की जनरली जरूरत जो पड़ती है वो होती है 10th के बाद, 10th के रिजल्ट आने के बाद। मगर जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है कि सभी चीजें एक एक स्टेप आगे हैं, तो इन्होंने जो करियर काउंसलिंग का सेमिनार रखा है वो फिलहाल के लिए रखा है 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए इनका एनिमेशन भी बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि पेरेंट्स का डिसीजन होता है जनरली, आप जो आगे बढ़े हैं, मैं जो आगे बढ़ा हूं, वहां पर कहीं ना कहीं पेरेंट का डिसीजन ज्यादा था कि हमें क्या ब्रांच सेलेक्ट करनी है। और काफी टाइम पे हमने देखा है कि वो डिसीजन गलत होता है, बच्चा कुछ करना चाहता है बट ड्यू टू दी फोर्स थ्रू दी पेरेंट्स, ड्यू टू दी फोर्स थ्रू दी सोसाइटी, वो बंदा वहां पर चला जाता है, वो फ्लो में चला जाता है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए भेजते हैं 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को दी पोटेंशियल वेबसाइट पे, तो वहां से इनकी जो वेबसाइट है वो पूरी की पूरी AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और जैसे ही यहाँ पर वो सर्टेन टास्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद में क्विज रहती है, हर एक जो मैंने वीडियो सबमिट किए हैं उसके बाद में क्विज भी मुझे बना के देनी होती है, तो वो क्विज के बेसिस से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट ने क्या समझा क्या नहीं समझा, स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड है या नहीं है। और काफी सारे फील्ड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, सारी चीजें बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो इनको बता देता है कि स्टूडेंट कहाँ पर इंटरेस्टेड है, कहाँ पर इंटरेस्टेड है, और स्टूडेंट को उसी जगह पर ही जाना चाहिए जहां पर वो इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्ट को एजुकेशन के साथ मिक्स कर दो तो एक्सेलेंस बनती है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके लिए हमें जो मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो यही था,
कि इनको वीडियोस चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो बेसिक चीजें आपको बतानी है। जैसे कि मैं कहूं कि बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैंने इनसे बात की कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्या मुझे देना होगा एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसे टॉपिक दीजिए जिससे कोई भी बच्चा समझ पाए, यानी जो बच्चे ने अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी भी ना हो वो भी समझ पाए। तो मैंने इनको टॉपिक्स दिए, जैसे कि मैंने एक टॉपिक दिया था जिसके अंदर मैंने लिखा था कि जो रोबोट होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, तो उनका मैंने पूरा सीएनसी प्रोग्रामिंग यहाँ पर सिखाया था बच्चों को 15 मिनट के अंदर, ये सीएनसी प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैसे ऑटोमेटिक वर्क होता है सीएनसी इंडस्ट्रीज में, जो भी ऑटोमेटिक इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, वो कैसे वर्क करती है, उसका एक ग्लिम्स दिया था। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाले टॉपिक्स इनको चाहिए, वहां पर आपको वीडियो बनाकर कहां पर भेजनी है, आपको भेजनी है वीडियो बनाकर एक ईमेल आईडी मैं आपको कह देता हूं, वहां पर आप भेज सकते हैं। ये देखिए यहां पर रही ईमेल आईडी, GANESH, गणेश जी नाम है इनका जो इसके ओनर है दी पोटेंशियल वेबसाइट के, @thepotentials.com, Ganesh@thepotentials.com, ये वेबसाइट, ये ईमेल आईडी पे आपको मेल करना रहेगा अगर आप भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो। बट जैसे मैंने कहा कि मुझे ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो सुपर प्रॉफ से मिला था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप सुपर प्रॉफ पे प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको और लोग भी कॉन्ट्रैक्ट दे सके, और आप पर्सनली इनको मेल भी कर दीजिए ताकि आपको भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल मुझसे कमेंट में मत मांगिएगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, बट हाँ आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।